वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैष्णव सिंह कर्मी विद न्यू टॉपिक। सो टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मेस्ट्रुअल साइकिल। सो दोस्तों आज हम कंप्लीट अबाउट द मेस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे कि मेस्ट्रुअल साइकिल होता क्या क्या है, कौन सी फेजेस होती है मेस्ट्रुअल साइकिल्स की। सो दोस्तों आज हम इस क्लास में कोशिश करेंगे जितने भी आपके डाउट्स हैं मेस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड उनको क्लियर करें, जितनी भी क्वेरी है उनको सॉर्ट आउट करें, और जितना भी हम इस क्लास से मेस्ट्रो साइकिल के रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं और उसका टॉपिक हम कवर करने की आज इस क्लास में कोशिश करें। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी हमारे जो नर्सेज भाई बंधु हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाए उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित हो। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेस्ट्रो साइकिल। सो सबसे पहले बात करते हैं मेस्ट्रो साइकिल होता क्या है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपको हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या उसके रिगार्डिंग में तो पता चलना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या जिसके रिगार्डिंग में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन है इसकी। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इट इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल changes in hormone production and structure of female reproductive organs that makes pregnancy possible। तो अगर सीधे सीधे साफ सीधे सीधे वर्ड्स में बोला जाए दोस्तों तो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक सीरीज है जिसमें क्या होता है किसी फीमेल की बॉडी में नेचुरल चेंजेस आते हैं जिससे उस फीमेल की बॉडी किसी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के पॉसिबल हो। ठीक है, तो अभी हमने बात की है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले हमें एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए वो है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए प्यूबर्टी क्या है, ठीक है, तभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले हमें पता चाहिए वो एक टॉपिक है, मैंने आपको बताया प्यूबर्टी। एक वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जानने से पहले इस वर्ड के कारण हमें जो कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों प्यूबर्टी होता क्या है, सबसे मेन प्यूबर्टी का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कन्वर्ट ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। अगर मैं एज ऑफ प्यूबर्टी की बात करूं तो ये मेल एंड फीमेल में अलग अलग होती है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो प्यूबर्टी की एज है 12 to 16 years, वहीं अगर फीमेल की बात करूँ तो 10 to 16 years। ठीक है, दिस इज अबाउट द प्यूबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्यूबर्टी का मतलब समझ गए होंगे आप कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब कुछ साइंस होते हैं प्यूबर्टी के जिससे हमें पता चलता है कि जो बच्चा है चाइल्डहुड से अब एडल्टहुड की कैटेगरी में आ गया, तो वो साइंस कौन से होते हैं तो उसके बारे में भी हमें पता। ये मेनली जो है 5 साइन होते हैं प्यूबर्टी के, कितने साइन होते हैं 5 साइंस होते हैं प्यूबर्टी के,
जो किसने दिए थे, दो साइंटिस्ट थे। एग्जाम में पूछा जाता है स्टार मार्क का केक लेना, दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम टनल एंड मार्शल। दो साइंटिस्ट थे जो मैंने आपको बताया, टनल एंड मार्शल, उसने 5 साइन ऑफ लिबर्टी दिए थे। तो वो 5 साइन कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है आपका थैगोर की, इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ तो एनार्की, इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, थर्ड साइन है जिसका नाम है पुडार्की, क्यूबिक हेयर सबके होते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ हाइट, हाइट का इंक्रीज होता है, ठीक है। और फिफ्थ है मेनार्की, मेनार्की का यहाँ मतलब है फर्स्ट एंड तो ये बात तो हुई साइन ऑफ लिबर्टी कि कौन कौन से 5 साइन ऑफ लिबर्टी जो टनल और मार्शल ने दिए थे, ठीक है। अब हम जो मेनार्की साइन होता है वो मेनली फीमेल्स में होता है, मेल्स में होता है, उसी के रिगार्डिंग अब हम इस क्लास में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि मेनार्की होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था, लास्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक सीरीज है जिसमें क्या होता है प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किसी फीमेल के, उसके चेंजेस होते हैं ताकि प्रेगनेंसी को पॉसिबल करता है। ये होता कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो इस सब चीज़ों में प्ले करता है, पहले उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो इसके में बुरा रोल करते हैं। तो इसमें रोल प्ले करती है हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो HPO से मैं आपको समझाऊं, क्या समझे आप लोग। एच माने हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करती है, सिक्रेट करती है जे एन आर जी एन एच को सिक्रेट करती है, जो कहाँ एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम करता है। आपको क्या किया, जेएनआरएच को सिक्रीट किया, जेएनआरएच ने क्या किया एंटी पिट्यूटरी पे जाके वर्क किया। अब उसने एंटी पिट्यूटरी पे जाके वर्क किया तो एंटी पिट्यूटरी ने क्या किया हार्मोन रिलीज किया। अब कौन कौन से हार्मोन से जो एंटी पिट्यूटरी रिलीज करता है, सबसे पहले LH, FSH, ACTH, GH, प्रोलैक्टिन और ये उसने हार्मोन सिक्रेट किया। इनमें से जो हमारे अभी इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है FSH और LHS। LH और FSH क्या करते हैं, ओवरी पे जाके एक्ट करते हैं, ओवरी पे जाके एक्ट करते हैं। और जो ये ओवरी होती है उसमें FSH और LH की एक्ट होने की वजह से, काम करने की वजह से क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करती है, सिक्रेट करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करती है, सिक्रेट करती है। और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये तो जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो ये HPO एक्सिस है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर इन तीनों में से हाइपोथैलेमस, एंटीपिट्यूटरी, ओवरी में से कोई भी एक अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करता, कहीं भी एक एबनॉर्मलिटी होती है, तो उस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। तो
चीजों का उत्पन्न फंक्शन करना और आपस में कोऑर्डिनेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो एबनॉर्मलिटी अंडर ये तीनों एपोथैलेमस एंटीपिट्यूटरी और ओवरीज होते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में वाइटल वर्क करते हैं। क्राइटेरिया है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्राइटेरिया है कि एचपीओ एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर। अभी मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरी का आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करने को जोड़ दिया। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होना पॉसिबल नहीं। ठीक है, बी आपके पास यूट्राइन एंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव फॉर ओवेरियन। जो भी ओवेरियन हार्मोन रिस्पॉन्स मतलब सीक्रेट हो रहे हैं उनसे रिस्पॉन्स होना चाहिए एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो आउटफ्लो रहेगा मस्ट बी प्योटाइन, मतलब जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल आउट होगी, जहाँ से ब्लीडिंग आउट होगी किसी फीमेल की बॉडी से, वो जो टैंक है वो प्योटाइन होना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी किसी फीमेल की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉसिबल नहीं हो पाए, तो उसमें भी एबनॉर्मलिटी देखी जाएगी। अब मैंने आपको बार बार नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम क्या बोलते हैं, यूमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर होना चाहिए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, बहुत सी बात कौन कौन सी बात ऐसी हमारे मन में आती है जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करती है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हमें 13 इयर्स ऑफ एज में स्टार्ट होती है। ठीक है, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 इयर्स ऑफ एज पे स्टार्ट होती है। ठीक है, मेनली जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रिपीट होती है 28 डेज में, किसी किसी फीमेल में 25 डेज में भी होती है, 35 डेज में भी होती है, 30 डेज में भी होती है। तो एक हम रेंज मान के चलते हैं दैट इज 21 टू 35 डेज में रिपीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो ब्लड लॉस होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ब्लड लॉस की बात करूँ तो कितना होता है दैट इज 22 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो ब्लीडिंग फेज होती है, ब्लीडिंग फेज और ब्लीडिंग ड्यूरेशन अलग अलग होती है। जो ब्लीडिंग फेज होती है वो 1 to 5 डेज की होती है, और वहीं अगर ब्लीडिंग ड्यूरेशन की बात करें तो कितने दिन के लिए होती है दैट इज 2 to 7 डेज के लिए ब्लीडिंग ड्यूरेशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या अब ये हमने पढ़ लिया नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या क्या होता है। अब किसी फीमेल में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसकी बॉडी में दो टाइप्स के चेंजेस आते हैं। एक तो उस फीमेल की ओवेरी में चेंजेस देखे जाते हैं और दूसरा उसके यूट्रस में भी चेंजेस देखे जाते हैं। तो ये जो चेंजेस मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वही चेंजेस क्या होते हैं, एक वाइटल वर्क करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इन चेंजेस को ध्यान से देखना, यही चेंजेस पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर करते हैं। तो मैंने आपको बताया नॉर्मल चेंजेस होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओवेरियन चेंजेस, एक होता है यूटराइन चेंजेस। तो हम एक एक करके दोनों चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ओवेरियन चेंजेस आते हैं क्या यूटराइन चेंजेस आते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे ओवेरियन चेंजेस की। ओवेरियन चेंजेस भी दो टाइप दो फेजेस में होता है, एक होता है फॉलिकुलर फेज और एक होता है ल्यूटियल फेज। तो दो फेजेस में ओवेरियन फेज के ओवेरियन चेंजेस देखे जाते हैं, जिसमें क्या बोला मैंने फॉलिकुलर फेज होता है ल्यूटियल फेज होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉलिकुलर फेज का। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है वो उसकी ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ कि कितने टाइम के लिए होता है फॉलिकुलर फेज, ड्यूरेशन की बात करें तो 14 डेज के लिए फेज होता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज की बात हो रही है तो मतलब किससे रिलेटेड है, फॉलिकल से मतलब फॉलिकुलर फेज का मतलब हमारे किससे फॉलिकल से। तो एक फीमेल के अंदर कितने फॉलिकल्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट। एक फीमेल में अगर प्यूबर्टी की बात करें मैं तो कितने फॉलिकल्स होते हैं, 4 फॉलिकल्स होते हैं। जो
हाँ सर, क्योंकि डिजिमिनेट होते हैं। वही अगर मेनोपॉज की बात करूँ, अगर मैं मेनोपॉज की बात करूँ तो उस टाइम पे कितना होता है, लेस देन 10,000 तक के रिकॉर्ड्स वैसा। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कितना केवी में, कितना फोलिकल्स इसकी बॉडी में होते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया। देन अब डिस्कस कर दिया फोलिकल फेस के रिगार्डिंग। अभी मैंने बताया तो जो एच पी एक्सिस होती है वो क्या सिक्रेट करती है, क्या सिक्रेट करती है, एफ एस एच फोलिकल स्टिम्युलेटिंग। तो एफ एस एच यहाँ से सिक्रेट, तो जो एफ एस एच सिक्रेट हो रहा है ये क्या करता है, एक्ट करता है किसके ऊपर, फोलिकल्स के ऊपर। फोलिकल्स के ऊपर से एक्शन किया जिसकी वजह से क्या होता है, जो फोलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, जितनी भी फोलिकल्स हैं फीमेल की बॉडी में ओपन होगी वो ग्रो करना स्टार्ट करेगी, ग्रोथ करेगी स्टार्ट। अब सब फोलिकल्स ने ग्रोथ स्टार्ट की, अब सब फोलिकल्स तो एक साथ ग्रो नहीं कर सकती, उसमें फिर क्या होता है, एक होगी डोमिनेंट फोलिकल। जो डोमिनेंट फोलिकल होती है, डोमिनेंट जो फोलिकल होती है वो क्या करती है, फास्टली ग्रो करती है। तो डोमिनेंट फोलिकल को क्या करती है, फास्टली फास्ट ग्रो करती है, ठीक है। डोमिनेंट फोलिकल फास्ट ग्रो करती है, तो जो डोमिनेंट फोलिकल है जो फास्ट ग्रो कर रही है, अब उसने फास्ट ग्रो करते करते क्या किया, किसको यूज किया, वो यूज किया एस्ट्रोजन। जो डोमिनेंट फोलिकल जो फास्ट ग्रो कर रही थी उसने क्या यूज किया, एस्ट्रोजन को रिलीज किया। जो एस्ट्रोजन जब रिलीज हो जाता है तो एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होने के क्या होता है, स्प्रेस कर देता है एफ एस एच को, फोलिकल स्टोन के बाइंडिंग को, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यहाँ पे ये एन एच हार्मोन, इसको स्टिमुलेट करता है एन एच को स्टिमुलेट करता है। क्या किया एस्ट्रोजन ने, जो डोमिनेटिंग फोलिकल ने एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया था उससे क्या किया, एफ एस एच को सप्रेस कर दिया, क्योंकि उसका वर्क यहाँ पे खत्म हो चुका है, और ल्यूटेजनिंग हार्मोन जो होता है उसको एल एच हार्मोन क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। अब एल एच हार्मोन जो यहाँ स्टिमुलेट हो गया है वो क्या करता है, एल एच हार्मोन जो स्टिमुलेट हुआ है वो क्या करता है, उसका फंक्शन होता है जो भी मैच्योर सेल्स हो चुकी हैं, मैच्योर फोलिकल्स हो चुके हैं, मैच्योर फोलिकल जो भी है उन पे वो एक्ट करता है। जो मैच्योर फोलिकल है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिन फोलिकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफिन। जो मैच्योर फोलिकल्स हो जाते हैं उनको ग्राफिन फोलिकल भी कहते हैं, उन पे क्या करता है, एक्ट करता है। और उस पे एक्ट क्या करता है, जो मैच्योर फोलिकल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, रप्चर कर देता है, क्या कर देता है, मैच्योर फोलिकल्स को रप्चर कर देता है, रप्चर मतलब तोड़ देता है मैच्योर फोलिकल। तो तोड़ने के बाद क्या करता है, उनमें से क्या यूज होता है, जो ये रप्चर करता है मैच्योर फोलिकल्स को उस प्रोसेस को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और रप्चर होने के बाद क्या यूज करता है, ओवम को रिलीज करता है, ठीक है। और जो ये रप्चर होने के बाद जो ग्राफिकल फोलिकल का वो जो पार्ट बचता है, ये रप्चर होने के बाद एक ग्राफिकल फोलिकल का कुछ पार्ट बचता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, पर्पस ल्यूटियम, क्या बोलते हैं, पर्पस ल्यूटियम, ठीक है। यहाँ से जो होती है वो हमारी फेस स्टार्ट होती है पर्पस ल्यूटियम बन गया, तो उसके बाद जो फेस स्टार्ट होती है वो होती है ल्यूटियल फेस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोलिकल फेस, जिसमें हमने पढ़ा। और तो सबसे पहले जो एच पी एक्सिस से जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पोस्ट एंड्यूरल पिट्यूटरी ग्लैंड जो एफ एस एच हार्मोन स्टिम्युलेट कर देती है, ये करती है फोलिकल्स पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जितने भी बॉडी में फोलिकल्स है फीमेल की वो सब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। एक साल तो सारे ग्रो नहीं कर सकती, तो उसमें से कोई एक डोमिनेंट फोलिकल होता है वो फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। उसके फास्ट ग्रो करने की वजह से क्या करता है, वो एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, और एस्ट्रोजन ने रिलीज होते हुए क्या किया, सप्रेस कर दिया एफ एस एच को, स्टिमुलेट कर दिया एल एच एस को। जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज हुआ उसने एफ एस एच को तो सप्रेस कर दिया, तो उसका काम हो चुका है फोलिकल को रिलीज कर चुका, और स्टिमुलेट कर दिया एल एच हार्मोन। अब जैसे ही एल एच हार्मोन स्टिमुलेट हुआ उसने क्या किया, जो भी मैच्योर या ग्राफिन फोलिकल जो कम्प्लीट मैच्योर हो चुकी थी, एक डोमिनेंट फोलिकल थी वो कम्प्लीट मैच्योर हो चुकी है, उसको क्या किया, रप्चर कर दिया। तो ये जो रप्चर होने की प्रोसेस होती है उसको हमें मैंने क्या होता है, फॉर्मुलेशन कहते हैं। रप्चर होकर क्या किया, हार्मोन को रिलीज कर दिया, एंड जो रप्चर प्रोसेस जो ग्राफिकल फोलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है, जो रप्चर हुआ पार्ट है
किसी किस में आता है उसको क्या बोलते हैं, पर्पस लोजन कहते हैं। अब पर्पस लोजन यहाँ फॉर्म हो गया, और इसके बाद जो फेस स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फेज। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूक्लियर फेज। देखिए न्यूक्लियर फेज में क्या होता है, हम देखते हैं न्यूक्लियर फेज। और ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज की जो ड्यूरेशन होती है ये भी सेम जो होती है 14 डेज की होती है। बट जो ये फेज होती है ये कॉन्स्टेंट फेज होती है। कैसी फेज होती है? कॉन्स्टेंट फेज होती है, ठीक है। ये जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी की मेंस स्टार्ट होने से उसके 14 डेज पहले जो फेज चल रही है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज, ठीक है। ये मैंने कहाँ से स्टार्ट होती है, जब पर्पस ल्यूटियल बन चुका है, क्या बन चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम। अभी मैंने आपको बताया था कॉर्पस ल्यूटियम, मुझे लेक्चर फॉलो कर उसका पार्पस था उसका मतलब होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका मेन पर्पस होता है वो दो नाम होता है, वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन उसने रिलीज किए, जिसमें जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी हाई लेवल में रिलीज करता है, और जो एस्ट्रोजन होता है वो उससे थोड़ा लो लेवल में रिलीज करता है, ठीक है। दो हार्मोन रिलीज किए, एक होता है प्रोजेस्टेरोन एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। इसमें से प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हाई लेवल में इंक्रीज करता है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो थोड़ा लो लेवल, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन है उसके बारे में आपको बता दूँ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्राइल ऑफ मार्केट। प्रोजेस्टेरोन क्या है? टोपोलाइटिक एजेंट है, टोपोलाइटिक एजेंट है जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए भी मुझे याद था तो मैं बता गया, कहीं माइंड में भी होगा तो मैं आपको ये बात बता। क्या हुआ, जो रप्चर पार्ट था जो पर्पस ल्यूटियम उसने एस्ट्रोजन के ऑपोजिशन के नाम पर सिक्यूट किया। अब जो पर्पस ल्यूटियम होता है उसके टू फीचर्स होते हैं, मतलब या तो वो ये एक चीज हो सकती है या फिर ये चीज हो सकती है, तो दो चीजें में जा सकता है। तो वो दो चीजें कौन कौन सी होती है, मैं बात करूँ यहाँ तक का पर्पस ल्यूटियम क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, या तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा, या फिर दूसरे में बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन एबसेंट होगा, ठीक है। दो चीजों से पहले आपको फर्टिलाइजेशन हो जाएगा किसी फीमेल में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, तो कर्कश ल्यूटियम के बाद दो चीज, अगर किसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कर्कश ल्यूटियम है वो क्या फॉर्म करता है, कर्कश मेनिटेल्स फॉर्म करता है, जो किसके फॉर्म को अवॉइड किया था। देन उसके बाद कॉर्पस पेट्रस किस फॉर्म में जाता है, कॉर्पस एफडी, कॉर्पस ल्यूटियम किस में जाता है, एफडी कॉर्पस में जाता है, जो किस पर होता है, वाइट कलर का, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, जो कॉर्पस एम होता है वो किस में एफडी कॉर्पस का होता है, वो डिस्प्ले हो जाता है विद इन आफ्टर 20 डेज के बाद क्या होता है, ये डिसअपीयर हो जाता है 28 डेज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन था अगर कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज होता है, ये तो था कि अगर फर्टिलाइज नहीं है तो क्या होता है, ठीक है। अगर अब कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइज होता है तो उस केस में क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, ऑप्शन की हमने बात करी, अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या बनाता है, कॉर्पस फ्लोएम बनाता है जो रिमेन रहता है अप टू 3 मंथ तक, अप टू 3 मंथ तक रिमेन होता है, जब तक टिल प्लेसेंटा कंप्लीट डेवलप ना हो जाए, कंप्लीट डेवलप ना हो जाए तब तक क्या होता है, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस ल्यूटियम फ्लोएम बन के रहता है अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ तक, ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट अबाउट द ओवेरियन चेंजेस, जिसमें हमने फॉलिकुलर चेंजेस और ल्यूटियल चेंजेस देखे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ओवेरियन चेंजेस, की ओवेरियन में ये भी चेंजेस होते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द यूट्राइन चेंजेस, कि यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हम डिस्कस करते हैं यूट्राइन चेंजेस। जो यूट्राइन चेंजेस होते हैं वो मेनली, मैं आपसे बताऊँ, थ्री फेजेस में होते हैं। थ्री फेजेस में होते हैं जिसमें से सबसे पहले फेज आती है ब्लीडिंग फेज। ठीक है, जो ब्लीडिंग फेज होती है उसका जो अनदर नेम है वो भी आपको पता है, क्या बोलते हैं उसको, सेप्टा मेनिया। ब्लीडिंग फेज को सेप्टा मेनिया के नाम से भी जानते हैं। जो ब्लीडिंग फेज है इसकी ड्यूरेशन होती है 1 से 5 डेज तक। ठीक है, अब ये क्या होता है जब करते सूटिंग, अभी मैंने बताया था करते सूटिंग क्या होता है, 28 डेज के बाद क्या होता है, डिसअपीयर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कर्कोसूटियम डिसअपीयर होने के बाद, कर्कोसूटियम से खत्म होने, तो जो कर्कोसूटियम था वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से क्रिएट कर रहा था। कर्कोसूटियम के यहाँ डिसअपीयर हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल क्या है, डिक्रीज हो गया। तो अब आपको याद हो जो एस्ट्रोजन का जो मेन वर्क है वो क्या होता है, वैसो एक्शन जो हो गया वैसो डायलेटेशन है। बट यहाँ तो प्रोजेस्टेरोन के एस्ट्रोजन का लेवल कम है, मेन एक्शन तो वैसे डायलेशन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, वैसो डायलेटेशन की वजह से होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्रस है वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो यूट्रस है उसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होना, उसके अंदर क्या होता है, जो यूट्रस है उसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग, सॉरी ब्लीडिंग मैंने बात कर ली, जो वैसो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो यूट्रस है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्या क्या होते हैं, वो चेंजेस होता है सबसे पहले तो हाइपोक्सिया, देन इस्चेमिया एंड नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्रोसिस होना थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट होता है। अब ये जो हाइपोक्सिया इस्चेमिया होना स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया इस्चेमिया वगैरह होना स्टार्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की एंडोमेट्रियम मेट्रियम की जो सेल्स होती है, मेट्रियम की जो सेल्स होती है वो क्या होती है, डेड हो जाती है। एंडोमेट्रियम जो सेल्स होती है डेड हो जाती है। अब उनकी डेड होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है एंडोमेट्रियम सेल्स के डेड होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जो कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो जो ये कंप्लीट ब्लीड जो ब्लीडिंग हो गई है, जो ब्लीडिंग हो गई, जो ब्लड हो गया वो कहाँ कलेक्ट होगा, किसी फीमेल के यूट्रस में कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो ये उसकी यूट्रस में कलेक्ट हो रहा है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हिमाटोनेट्रा। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, हम हिमाटोनेट्रा। जो यूट्रस के अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हिमाटोनेट्रा। अब हिमाटोनेट्रा की कंडीशन हो गई तो जो यूट्रस में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, यूट्रस में ब्लीडिंग फिर होना स्टार्ट हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्रस नास होती है वो क्या कहते हैं, स्ट्रिमलाइफ हो जाती है, हाइपोथैलेमस। या ब्लीडिंग हो गई स्टार्ट उसकी वजह से कहाँ गए, स्ट्रिमलाइफ हाइपोथैलेमस में गए, हाइपोथैलेमस में गई। ठीक है, हाइपोथैलेमस में गई तो हाइपोथैलेमस ने किसको एक्शन दिया, पोस्टियर पिट्यूटरी को बोला कि भाई वहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, आपको फंक्शन करना पड़ेगा। तो पोस्टियर पिट्यूटरी ने फंक्शन स्टार्ट किया। पोस्टियर पिट्यूटरी ने क्या किया, पोस्टियर पिट्यूटरी ने हार्मोन रिलीज किया जिसका क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज किया, पोस्टियर पिट्यूटरी ने यहाँ ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया। और ऑक्सीटोसिन ने अब रिलीज होने के बाद क्या किया, यूट्रस पे काम करना स्टार्ट किया, उसने यूट्रस पे काम करना स्टार्ट किया। यूट्रस पे क्या काम किया, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट किया, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, ब्लीडिंग स्टार्ट। ठीक है, ये तो हुआ ब्लीडिंग फेज की, कैसे ब्लीडिंग स्टार्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लीडिंग फेज।
अगर मैं आपको बताऊं, रीडिंग होने से पहले, बिफोर रीडिंग, अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो होती है, एंडोमेट्रियम की अगर थिकनेस जो होती है, तो कितना होता है बिफोर रीडिंग? 5 को 6, ठीक है, एंगल होता है बिफोर द ब्लीडिंग। तो अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स के लिए होता है। और आफ्टर ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग हो जाती है तो कितनी थिकनेस बचती है, दैट इज 1 mm थिकनेस जो होती है एंडोमेट्रियम की बचती है, ठीक है। दिस इज फॉर अबाउट द ब्लीडिंग फेस, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है। 1 to 5 days की होती है जब फोकस सोडियम 28 days में डिस्प्ले हो जाती है, उस टाइम पे होता है। क्योंकि देखो कर्कस सोडियम जो था उसका मेन फंक्शन था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट था, बट अब कर्कस सोडियम ही डिसअपीयर हो गया तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल भी कम हो जाएंगे। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम हो गए हैं तो जैसे कि हम जानते हैं एस्ट्रोजन का मेन फूड रहता था वैसोडायलेटेशन, बट अब तो एस्ट्रोजन कम हो गया है बॉडी, तो क्या करेगी वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा यूट्रस में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे हाइपोक्सिया, इस्थमिया, नेक्रोसिस। तो उसकी वजह से जो हाइपोक्सिया, इस्थमिया, नेक्रोसिस हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम सेल्स होते हैं वो डेड होना स्टार्ट होते हैं। उनके डेड होने की वजह से क्या होता है, किसी फीमेल में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अब यूट्रस में ब्लीडिंग स्टार्ट तो हो गई, बट जो यूट्रस में ब्लीडिंग है वो कहाँ कलेक्ट हो गई? यूट्रस में तो कलेक्ट हो गई, यूट्रस से बाहर तो आया नहीं, क्योंकि उसको कोई ओवर तो मिला नहीं है, ऊपर से ओवर तो मिला नहीं है, ओवर लेके आए कि हमारे बॉडी तभी तो वर्क करती है जब उसको कोई ओवर मिलता है। बट यहाँ ब्लीडिंग कहाँ करती है? यूट्रस में हुई है। अब यूट्रस में ब्लीडिंग होने की वजह से जो यूट्रस ब्लास्ट होती है वो कहाँ स्टोरेज में जाती है? हाइपोथैलेमस में स्टोरेज हो जाती है। अब हाइपोथैलेमस प्लस में जाकर बोला कि सुनो भाई ब्लीडिंग करना स्टार्ट हो गई है, अब हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस से क्या एक्शन लिया उसने? पोस्टर पिट्यूटरी से बोला कि भाई अपना काम करना स्टार्ट करो, वहाँ पर ब्लीडिंग करना स्टार्ट हो गई। पोस्टर पिट्यूटरी ने क्या काम किया, उसने ऑक्सीटोसिन नामक अपना जो एक बंदा था उसको रिलीज कर दिया, उसको छोड़ दिया कि जा तू वहाँ के काम कर और ब्लीडिंग को मूव आउट कर फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है, आउट आउटसाइड निकल फ्रॉम द यूट्रस। जो ऑक्सीटोसिन था उसने जाके यूट्रस पे वर्क करना स्टार्ट किया, जिसने क्या किया यूट्रस को कॉन्ट्रेक्शन करना स्टार्ट किया, यूट्रस के अंदर उसको कॉन्ट्रेक्शन डाल दिया। कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से क्या किया, यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग इफेक्ट आती जो ब्लड इफेक्ट है वो मिस्ट्रोसाइटी के रूप में क्या होगा के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज अबाउट द ब्लीडिंग फेज। जो ब्लीडिंग फेज है उसके बाद कौन सी फेज आती है, वो आती है पॉलीप्लेटिंग फेज। जो पॉलीप्लेटिंग फेज होती है वो कब स्टार्ट होती है, जो पॉलीप्लेटिंग फेज है वो स्टार्ट होती है 6 to 14 days के बीच जो फेज होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीप्लेटिंग फेज, ठीक है। जब पॉलीप्लेटिंग जब यूट्रस में, ये यूट्रस की बात चल रही है, यूट्रस में आपकी पॉलीप्लेटिंग फेज होती है, वही ओवरी में उस टाइम पे, ओवरी में उस टाइम पे कौन सी फेज चल रही है, फॉलिकुलर वाली फेज चल रही है। जब यूट्रस में पॉलीप्लेटिंग फेज चल रही है उसी टाइम पे ओवरी में कौन सी फेज चल रही है, फॉलिकुलर फेज चल रही है। फॉलिकुलर फेज चल रही है मतलब क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल इस टाइम पे हाई होता है, एस्ट्रोजन का लेवल इस टाइम पे हाई होता है। तो यूट्रस में भी क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, हाई होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हाइपो हाइपरप्लेजिया की कंडीशन आती है, हाइपरप्लेजिया की कंडीशन आती है। अब हाइपरप्लेजिया होता क्या है, यहाँ पे हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है, हाइपरप्लेजिया का मतलब है जो एंडोमेट्रियम सेल्स होती है उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, एंडोमेट्रियम जो सेल्स होती है वो नंबर में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से अब एंडोमेट्रियम जो सेल्स होती है उनके नंबर बढ़ गए हैं, जो पहले 1 थी वो 10 बनती है। उसकी वजह से क्या होगी, जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या होगी थिकनेस, एंडोमेट्रियम जो है उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसकी थिकनेस, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी एंडोमेट्रियम, उसकी थिकनेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। 6 दिन से स्टार्ट हुआ, 14 दिन तक यही प्रोग्राम जो है अंदर फीमेल के यूट्रस के अंदर चलता रहता है। अब जब एंड ऑफ दिस फेज, इस फेज का एंड होता है मतलब 14 डेज कंप्लीट होते हैं, उस टाइम पे जो यूट्रस की
जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है उसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, 2 to 3 mm तक पहुंच जाती है। 2 to 3 mm तक जो है वो तो उसके एंडोमेट्रियम की थिकनेस पहुंच जाती है, फॉलिकुलेटिव फेज के एंड होते होते। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉलिकुलेटिव फेज। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फेज कौन से होते हैं, सेकेंडरी फेज। फॉलिकुलेटिव फेज के बाद कौन से फेज आते हैं, सेकेंडरी फेज, जिसको क्या बोलते हैं हम। सेकेंडरी फेज का दूसरा नाम क्या है हम बात की जाए तो उसको हम प्रीक्लेटरी फेज भी बोलते हैं, प्रीक्लेटरी फेज भी बोलते हैं। तो दोनों सेकेंडरी फेज एंड प्रीक्लेटरी फेज जो होती है वो एज होती है, जो स्टार्टअप से होती है 15 to 15 days से स्टार्ट होती है टू 28 days तक जाती है, ये सेम फेज होती है। जो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो एक ओवरी में कौन सी फेज चल रही थी, जो हमने बात की थी ओवरी में चल रही थी कॉर्पस ल्यूटम वाली फेज। तो कॉर्पस ल्यूटम वाली फेज चल रही है तो बॉडी में क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन का तो फंक्शन मैंने अभी बताया था, तो क्या हो गया हाइपोप्लासिया। ठीक है, वही जो प्रोजेस्टेरोन जो सीक्रेट हो रहा है बॉडी में आयरन में, वो क्या करता है हाइपरट्रॉफी कोस करता है, हाइपरट्रॉफी कोस करता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, यहाँ पे इंक्रीज साइज ऑफ द सेल्स, जो एंडोमेट्रियम की सेल्स है उसका साइज इंक्रीज करता है। जो एस्ट्रोजन था वो क्या कर रहा था, जो सेल्स है उसके नंबर को इंक्रीज कर रहा था, जो एंडोमेट्रियम की सेल्स है उसके नंबर को इंक्रीज कर रहा था। बच्चों प्रोजेस्टेरोन वो क्या करता है, जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुआ है उसके साइज को इंक्रीज करता है, मतलब जो साइज 1 mm का उसके 4 mm हो जाता है, जो 5 mm का था उसके 6 mm हो जाता है। तो उसके इन दोनों के इकट्ठे ऐसे वर्क करने की वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी क्या होती है, थिकनेस इंक्रीज होती चल जाती है। तो एट द एंड ऑफ दिस फेज, दिस फेज जो एंडोमेट्रियम है वो अगेन 5 to 6 mm तक प्रिपेयर हो जाती है। जो मैंने आपको बताया था प्री ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस हमें देखने को मिलती है। इस फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है वो प्रिपेयर होता है फॉर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ये प्रिपरेशन हो गई है पूरी फॉर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, इसके बाद फिर अगेन से जैसे ब्लीडिंग फेज आती थी वैसे ही हमारी अगेन से टेस्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें मैंने आपको ओवेरियन चेंजेस भी बताए और यूटराइन चेंजेस। जो ओवेरियन चेंजेस मैंने बताए वो दो टाइप के बताए आपको, नंबर एक फॉलिकुलर चेंजेस होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया FSH यूटिलाइजिंग हार्मोन का मेन इंपोर्टेंट रोल होता है, और जो आपका यूटिलाइजिंग फेज होता है इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों का मेन इंपोर्टेंट रोल होता है। देन उसके बाद मैंने यूटराइन चेंजेस बताया जिसमें फर्स्ट फेज ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग में मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल डिक्रीज होने की वजह से चेंजेस आते हैं। देन आपकी पॉलिक्यूलेटिव फेज होती है जो एस्ट्रोजन लेवल के इंक्रीज होने की वजह से आते हैं, एंड नेक्स्ट सिक्योरिटी फेज होते हैं तो दोनों एस्ट्रोजन एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल के इंक्रीज होने की वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये मैंने आपको समराइज करने के लिए रखा है, दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने अभी आपको बताया। दिस आर द ओवेरियन चेंजेस, यहाँ मैंने आपको ओवेरियन चेंजेस बताए, दिस इज द यूटराइन चेंजेस। जो ओवेरियन चेंजेस आते हैं जिसमें 1 to 14 days तक हमारे फॉलिकुलर फेज होते हैं, जिसमें आपका FSH और LH हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और देन आते हैं आपके ल्यूटियल फेज जिसमें आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अभी आप इसमें देखोगे प्रोजेस्टेरोन जो है ये ब्लू वाला है जो 14 days तक कोई वर्क नहीं करता, उसके बाद क्या होता है ल्यूटियलाइजिंग जो फेज आते हैं उसमें क्या होता है एकदम से इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर वही आप एस्ट्रोजन की बात करोगे तो एस्ट्रोजन जो है वो आपका ये ब्लैक ब्लैक से करता है दिस वन, तो ये भी फर्स्ट 14 days में कोई खास वर्क नहीं होता, बट इसके बाद ये 14 days पे हाई होता है, देन ये ल्यूटियल फेज में भी लो अमाउंट में रहता है, ये भी मैंने आपको बताया था। देन LH और FSH हार्मोन जो होते हैं वो ब्लू फॉलिकुलर फेज में होते हैं उसमें नॉर्मल अमाउंट में होता है, बट जब ओवुलेशन का पीरियड होता है 14 days वाला जो टाइम होता है
ये दोनों आर्मी जो थे हाई लेवल में था। जो FSH हार्मोन होता है वो ज्यादा, जो NH हार्मोन होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इस टाइम पे जो 14 डेज होता है उस पे जो होता है रक्चर, जो न्यूक्लियम फिर फॉलिकल होता है वो क्या होता है रक्चर हो जाता है और ओवम को रिलीज करता है। ठीक है, ओवम रिलीज होगा तो जो ओवम रिलीज होता है तो जो ये ओवम यहाँ पे रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ओवुलेशन बोलते हैं। तो जो बात जो फॉलिकल का पार्ट बचता है, जो गैपिंग फॉलिकल का पार्ट जो बचता है वो क्या बनता है कर्पस ल्यूटियम। जो कर्पस ल्यूटियम होता है वो अगेन टू टर्म्स में डिवाइड होता है, या तो फर्टिलाइज होता है या नहीं फर्टिलाइज होता है। तो ये जो होल प्रोसेस होता है ये होता है 28 डेज का। वहीं अगर यूटराइन चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है ब्लीडिंग होता है, किसी फीमेल को क्या होता है सबसे पहले ब्लीडिंग होता है जिसको मेंसेस भी बोलते हैं। ब्लीडिंग होने के बाद प्रोलिफरेटिव फेज आती है जिसमें क्या होता है प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की सैच होती है उनका नंबर अगेन इंक्रीज होता है उनका नंबर। जो सेक्रेटरी फेज होती है जिसको प्रोलिफरेटिव फेज में होता है उसमें क्या होता है साइज नंबर तो पहले ही बढ़ना स्टार्ट होता है, जो एंडोमेट्रियम की सैच होती है उनके साइज का भी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो जो सेक्रेटरी फेज होती है वो अपने आप को नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रिपेयर होता है इस टाइम। देन उसके बाद अगेन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जिसमें ब्लीडिंग होता है, देन फिर फोटो को जो होता है सेक्रेटरी फेज होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है टिल ठीक है 13 ईयर्स ऑफ एज पे स्टार्ट होता है। बच्चा पूरा 13 ईयर्स ऑफ एज पे स्टार्ट होता है और टिल मेनोपॉज का चलता है। मेनोपॉज की एज 45 ईयर्स तक 10-45 ईयर्स ऑफ एज किसी भी उम्र के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है किसी भी उम्र के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रत्येक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड मैंने स्कूल में भी आज मैंने स्कूल क्लास में क्लियर कर दिए होंगे। या फिर भी आपको कोई और भी डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको वो भी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ के साथ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रही होगी। मेरे हिसाब से मैं अगर पॉइंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, तो दोस्तों मैंने इसे इस टॉपिक को कवर करना इम्पोर्टेंट समझा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ताकि जो मेरे बाकी बच्चे और बंधु हैं इन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाए इन तक ये वीडियो पहुँच जाए। दोस्तों हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपडेट करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।